हेलो ऑल ऑफ यू, वेलकम टू माय चैनल। मैं आज आप लोगों के लिए लेकर आ चुकी हूँ एक कलेक्टिव रीडिंग, जिसका टॉपिक रहने वाला है कि उनके दिल की बात आपके दिल के लिए, यानी कि उनके दिल की बात यानी उनके इमोशंस या उनका जो कन्फेशन है वो आपके लिए। ओके व्यूअर्स, उनके दिल में क्या है आपके लिए, तो ये रीडिंग जनरल रहेगी। हो सकता है आपसे रेजोनेट करे, हो सकता है ना भी करे, तो आपको यह रीडिंग ओपन माइंडेड होकर सुननी है। यह रीडिंग सभी साइंस के लिए रहेगी, चाहे आपका कोई भी जोडियक साइन हो या आपकी कोई भी सिचुएशन हो, यह रीडिंग आपसे रेजोनेट कर सकती है। फिर चाहे आप इस रीडिंग को देख रहे हैं किसी भी वक्त या किसी भी उम्र में, यानी आपकी कोई भी उम्र हो सकती है, आपकी कोई भी एज हो सकती है, किसी भी एज ग्रुप से बिलोंग करते हो, यह रीडिंग आपसे मैच कर सकती है। साथ ही साथ व्यूअर्स, ये रीडिंग टाइमलेस है, यानी मैंने बोला जैसे आप इसे कभी भी देख रहे हो, आप इसे जब भी देख रहे हैं, ये वीडियो जब भी आप तक पहुंचा है, ये रीडिंग आपसे तभी रेजोनेट करेगी। ओके, फिर चाहे आप इस वीडियो तक 1 साल, 2 साल, 5 साल, 10 साल या बहुत महीनों या बहुत हफ्ते बाद भी आप इस वीडियो तक पहुंचे हैं, लेकिन आप जब भी इस वीडियो को देख रहे हैं, यह आपसे तभी रेजोनेट करेगा। ओके व्यूअर्स, ये अगर आप ड्रीम टैरो चैनल पर पहली बार आए हैं और आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि सब्सक्राइब करें ड्रीम टैरो चैनल को और बन जाएं ड्रीम टैरो फैमिली का हिस्सा, क्योंकि मैं ऐसे ही डिफरेंट टॉपिक्स पर रीडिंग लेकर आती रहती हूँ। रीडिंग्स के दौरान इंट्यूटिव मैसेजेस, चैनल मैसेजेस एंड चैनल सॉन्ग्स प्रोवाइड करती हूँ, जो मैं नहीं चाहती कि आप मिस कर पाएं, इसीलिए सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि जब भी मैं कोई रीडिंग लेकर आऊँ, सबसे पहले आप उसे देख पाएं। ओके व्यूअर्स, तो चलिए ज़्यादा समय व्यर्थ नहीं करते हैं और आपकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं कि उनके दिल की बात क्या है आपके लिए। ओके, एंड थैंक यू फॉर योर लवली कमेंट्स। मैं आपके कमेंट्स पढ़ रही थी, देख रही थी, और मुझे बहुत ही प्यारे लगे आप जितने प्यार से लिखते हैं, और मुझे पढ़कर बहुत खुशी होती है। थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक यू माई ड्रीम टैरो फैमिली। तो चलिए यहां देखते हैं कि उनके दिल की बात क्या है आपके लिए। स्पिरिट्स प्लीज गाइड अस, स्पिरिट्स प्लीज गाइड अस। ओके, नाइन ऑफ पेंटिकल्स, ब्यूटिफुल। पहला जो कार्ड हमारे पास आया है वो है नाइन ऑफ पेंटिकल्स। ओके, चलिए लेट्स टेक अनदर कार्ड। जस्टिस, ओके, okay, let's take another card. okay viewers, चलिए लेते हैं अगला कार्ड, नाइट ऑफ कप्स। ओके व्यूअर्स, ओके व्यूअर्स, पहली चीज तो मुझे ऐसा लग रहा है कि उनके दिल में ये बात है कि आप जो हैं व्यूअर्स, वो इनके बिना बहुत खुश हैं। अभी ये ऐसा सोच रहे हैं कि आप अपनी लाइफ में काफ़ी हैप्पी हैं, आप अपनी लाइफ में काफ़ी सेटिस्फाइड हैं, काफ़ी सेल्फ केयर, सेल्फ लव में ऑपरेट कर रहे हैं। ओके, सेल्फ लव में ऑपरेट करना यानी खुद से प्यार करना, खुद पे फोकस करना, खुद से संतुष्ट रहना। तो यहाँ पर आप अपनी लाइफ में काफ़ी इंडिपेंडेंट फील कर रहे हैं, यानी कि आपको कोई बर्डन फील नहीं हो रहा है, ये कोई एक्स्ट्रा सैडनेस भी नहीं फील हो रही। आप अपनी लाइफ में काफ़ी खुश हैं, काफ़ी यू नो सेटिस्फाइड और कंप्लीट महसूस कर रहे हैं। बहुत नीडी भी नहीं लग रहा है, ऐसा नहीं दिख रहा है उनको कि आपको उनकी बहुत ज़रूरत है या आपको किसी अपने की या किसी यू नो किसी पार्टनर की ज़रूरत है, ऐसा उन्हें नहीं दिख रहा है। इनफैक्ट वो आपको काफ़ी खुश और काफ़ी फुलफिल्ड सेटिस्फाइड एनर्जी में देख रहे हैं। उन्हें लग रहा है कि आप खुश हो, आपकी लाइफ बहुत ही स्टेबल और बहुत ही अच्छी चल रही है उनके बिना भी, ऐसा उन्हें लग रहा है।
साथ ही साथ ऐसा लग रहा है कि आप ग्रो कर रहे हो, चाहे आप करियर में ग्रो कर रहे हो या लाइफ में ग्रो कर रहे हो या अपनी यू नो वे ऑफ लिविंग में ग्रो कर रहे हो, बट समवेयर यू आर ग्रोइंग इन योर लाइफ, ऐसा मुझे भी दिख रहा है। हो सकता है फाइनेंशियली भी ग्रो कर रहे हो धीरे धीरे। ओके, तो उन्हें ऐसा लग रहा है व्यूअर्स कि आप बहुत खुश हो यहाँ पर, और मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर उन्हें ऐसा लगता है कि आप वो सब डिजर्व करते हो जो आप यू नो आपको मिल रहा है। समवेयर दे थिंक कि आप वो सब डिजर्व करते थे, क्योंकि यहाँ जस्टिस की बात हो रही है, और यहाँ पर जो जस्टिस है, जो आप डिजर्व करते हो व्यूअर्स, जो फेयर है, आपको वो मिल रहा है, आपके जीवन में वो खुशियाँ आ रही हैं। तो उन्हें ऐसा लग रहा है कि आप तो इतनी हैप्पीनेस, इतनी खुशी डिजर्व करते ही हो। तो यहाँ पर व्यूअर्स उनके दिल की जो बात है आपके दिल के लिए, पहली बात तो ये वो ये सोच रहे हैं अपने दिल में कि आप बहुत ग्रो कर रहे हो और वो उस बात के लिए बहुत खुश है। कहीं ना कहीं उन्हें इस बात का दुख है कि आप उन्हें शायद मिस नहीं करते, उन्हें ऐसा लगता है कि अब शायद आपको उनकी ज़रूरत नहीं है, बट फिर भी वो ये सोचते हैं कि अगर आप अपनी लाइफ में खुश हैं तो आप ये सब डिजर्व करते हैं। यस, कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि जस्टिस प्रोवाइड होने की ज़रूरत है। यानी कि व्यूअर्स, या तो आप हैं जिन्होंने जस्टिस मांगा होगा भगवान से, यू नो यूनिवर्स से कहा होगा कि मुझे जस्टिस चाहिए, या आपके पर्सन भी चाहते हैं कि जस्टिस मिले, और अगर आप लोग चाहें या ना चाहें इस सिचुएशन में आपको जस्टिस मिल रहा है, क्योंकि यहाँ पर आपके पर्सन भी आपकी तरफ आने के लिए, एक्शन लेने के लिए, आपको कोई सॉलिड कमिटमेंट देने के लिए डिसीजन ले रहे हैं। ओके, ये ऐसा मैं इसीलिए कह सकती हूँ क्योंकि ये आपको सॉलिड कमिटमेंट देने आएंगे, ऐसा मुझे दिख रहा है। इनकी जो दिल की बात है वो यही है कि वो आपको कोई कमिटमेंट दे आकर, ठीक है, क्योंकि वो आपके बिना रहना टफ हो रहा है उनके लिए, तो वो आपके पास आके आपको प्रपोज करके आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं, और ये होगा भी। लेकिन ये नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी है जो मुझे बता रहा है कि यह चीज़ होगी, लेकिन ये बहुत स्लो होगी। ओके, ये बहुत ग्रेजुअली होगी, बहुत स्लो होगी, यानी कि उनको आप तक आते आते थोड़ा समय अभी लगेगा। ओके, जस्टिस ज़रूर प्रोवाइड होगा इस सिचुएशन में, इसीलिए वो आपकी तरफ ज़रूर आएंगे भी, लेकिन ये थोड़ी देरी हो सकती है इन्हें आने में, क्योंकि मुझे इनकी एनर्जी थोड़ी स्लो लग रही है, लेकिन जितनी ही स्लो है उतनी ही स्ट्रांग भी है। यानी कि चाहे देर से आएंगे, लेकिन जो भी ऑफर करेंगे सॉलिड ऑफर करेंगे। ओके, रिलायबल ऑफर देंगे आपको, जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं, ठीक है, ट्रस्ट कर सकते हैं, ऐसा ऑफर हमेशा अब आपको वो देंगे, लेकिन हाँ स्लो हो सकता है। कहीं ना कहीं उन्हें लग रहा है कि अनफेयर तो उनके साथ भी हुआ है। ऐसा नहीं है कि वो ये सोचते हैं कि आपने अनफेयर किया है, बट उन्हें ऐसा भी लग रहा है कि उनके साथ भी नाइंसाफी हुई है। उन्हें भी यू नो इस रिश्ते में होना चाहिए था, उन्हें आपके पास होना चाहिए था, आप दोनों को एक दूसरे के साथ होना चाहिए था, पर उन्हें ऐसा लगता है कि नियति ने यू नो अच्छा खेल नहीं खेला है, यू नो नियति ने एक खराब खेल खेला है, जिसकी वजह से आप लोगों के रास्ते अलग हुए हैं, या अलग हुए थे या अलग हुए हैं, जो भी है। ओके, थोड़े और कार्ड्स लेते हैं और देखते हैं कि ये रीडिंग कहाँ जा रही है, किस डायरेक्शन में जा रही है, बट जस्टिस मिलने वाला है व्यूअर्स, और ये आपके रिस्पेक्ट भी बहुत करते हैं, इनके दिल में आपके लिए सम्मान कूट कूट कर भरा हुआ है। ओके, एंड दे कैन सी यू ड्रेस्ड अप वेरी ब्यूटीफुली, उन्हें ऐसा लग रहा है कि आप बहुत ही अच्छे से तैयार हो रहे हैं। तो हो सकता है व्यूअर्स आपने रिसेंटली कोई प्रोफाइल फोटो वगैरह चेंज की हो, या स्टेटस कोई या पोस्ट वगैरह कोई डाला हो, यू नो न्यू ड्रेस में, या न्यू कुछ यू नो आउटफिट, तो उनको ऐसा लग रहा है कि आप बहुत खूबसूरत लग रहे हो उस आउटफिट में, वो जो भी आउटफिट है जो आपने भी रिसेंटली यू नो पोस्ट किया हो सकता है, या उन्होंने आपको देखा है इस आउटफिट में, एंड उनको ऐसा लग रहा है कि आप बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहे हो। ओके, प्रोजेक्शंस, ओके, स्पिरिट्स प्लीज गाइड अस। ओके, कार्ड अनफोल्ड हुआ है विच सेज सेलिब्रेशन, ब्यूटिफुल। ओके, एक और कार्ड अनफोल्ड हुआ है जो कहता है चेंज। ओके,
लेट्स टेक अनदर कार्ड. ओके लवर्स व्यूअर्स, उनके दिल की बात तो यहां साफ निकल कर आ रही है. पहली बात तो व्यूअर्स मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूंगी कि यहाँ पर लवर्स का कार्ड आया है जो स्पिरिचुअल कनेक्शन को भी दर्शा रहा है आपके और आपके पर्सन के बीच. तो हो सकता है कि यही आपके ट्विन फ्लेम है या यही आपके सोलमेट है, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ पे मुझे रोजेस दिख रहे हैं, यू नो एक ही दिल दिख रहा है जो दो लोग शेयर कर रहे हैं. ब्यूटिफुल. तो मुझे लग रहा है कि आप लोग किसी स्ट्रॉन्ग स्पिरिचुअल कनेक्शन में हैं, वरना अब तक ये रिश्ता यू नो खत्म भी हो जाता, लेकिन ये स्पिरिचुअल कनेक्शन है इस वजह से खत्म हो भी नहीं सकता. यहाँ पे मुझे दोनों कार्ड सेम ही चीज दिखा रहे हैं, एक दूसरे को फेस करना, एक दूसरे को, एक दूसरे की एनर्जी यहाँ पर यू नो एक रिफ्लेक्शन एक दूसरे का, जैसे वो आपकी आंखों में देख रहे हों और उन्हें अपना ही रिफ्लेक्शन दिख रहा हो. तो ऐसा मुझे लग रहा है कि आप लोग एक दूसरे को मिरर बहुत कर रहे हैं और बहुत स्ट्रांग एनर्जी है. अगर आप इनकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं व्यूअर्स बहुत ज़्यादा इन दिनों, तो ये भी आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं बहुत ज़्यादा इन दिनों. अगर आप इनके बारे में सोचे बिना एक दिन नहीं रह पाते, तो ये भी आपके बारे में सोचे बिना एक दिन नहीं रह पाते. इवन मुझे ऐसा लग रहा है कि आप दोनों ड्रीम्स में भी मिल रहे हैं, आपको सपने आ रहे हो सकते हैं इनके, या आपको इनका नाम कई जगह दिखाई या सुनाई दे रहा हो सकता है, या आपको ऐसे गाने सुनाई दे रहे होंगे जो आपको इनकी याद दिलाते हैं. सो ये सेम चीज़ें इनके साथ भी हो रही हैं. ओके इनको भी ऐसे डिफरेंट यूनिक और यू नो समटाइम्स वियर्ड ऐसे एक्सपीरियंसेस हो रहे हैं, तो ये भी नहीं समझ पा रहे ऐसा क्यों हो रहा है. बट द फैक्ट इज़ कि आप दोनों एक दूसरे को मिरर कर रहे हो. यूजुअली हम एक दूसरे को मिरर नहीं करते हैं, बट इट हैपन्स इन द स्पिरिचुअल कनेक्शन. जब हम किसी स्पिरिचुअल कनेक्शन में होते हैं तो हम रिफ्लेक्ट कर रहे होते हैं एक दूसरे की एनर्जी को. जैसे मैं कुछ कर रही होती हूँ तो मुझे मेरा ही रिफ्लेक्शन दिखता है सामने से. तो ऐसा जब होता है जब सामने वाला पर्सन भी सेम एनर्जी में होता है, सेम लेवल पर होता है, सेम पेज पर होता है. तो आप दोनों भी सेम पेज पर हैं, आप भी कहीं ना कहीं इस कश्मकश में हैं, इस थॉट में हैं कि ये आपको मिस करते हैं कि नहीं, क्या ये आपको वापस आएंगे कि नहीं. और समटाइम्स ये भी इसी थॉट में चले जाते हैं कि क्या आप इनको भूल चुके हो. तो आप दोनों की एनर्जी रिफ्लेक्ट कर रही है यहाँ पर, मिरर कर रही है. उन्हें ऐसा लगता है जब वो आपको देखते हैं कि वो अपने आप को ही देख रहे हैं, जैसे उनका ही हिस्सा हो. ओके तो जब हम किसी को देखें और हमें लगे कि ये हमारा ही रिफ्लेक्शन है, तो ये थोड़ा यू नो इंसान को कंफ्यूज कर सकता है या सोचने पर मजबूर कर सकता है. और ऐसे ही आप दोनों एक दूसरे के बारे में निरंतर सोच भी रहे हैं. ओके यहां मुझे ऐसा लग रहा है व्यूअर्स की उनके दिल में ये बात है व्यूअर्स कि वो आपके साथ आगे की लाइफ एंजॉय करें, क्योंकि उन्हें लगता है कि उन्होंने आपके साथ जो भी समय बिताया, जो भी टाइम स्पेंड किया, वो अच्छा था, लेकिन वो इतना अच्छा नहीं था, उसे और अच्छा होना चाहिए था. यानी वो आपके साथ सेलिब्रेट करना चाहते हैं, आपके साथ पार्टी करना चाहते हैं, इंजॉय करना चाहते हैं. ऐसा हो सकता है कि अभी रिसेंटली किसी का बर्थडे, आपका या उनका बर्थडे, किसी का बर्थडे अभी निकल कर गया हो या आने वाला हो. ओके ऐसा हो सकता है अपकमिंग, और नहीं भी है तो कोई यू नो वो चाहते हैं कि वो आपके साथ किसी फंक्शन में हो, सेलिब्रेट करें, इंजॉय करें, आप लोग पार्टी करें, डांस करें. मुझे ऐसा लग रहा है, और इवन मुझे ऐसा लग रहा है कि वो आपके साथ बारिश में भीगना चाहते हैं. यस ब्यूटिफुल. मुझे ऐसा लग रहा है दैट्स अ इंट्यूटिव मैसेज कि वो आपके साथ बारिश में भीगना चाहते हैं, या उन्होंने कोई ऐसा ड्रीम देखा है, या उन्होंने कोई ऐसी इमेजिनेशन की है जिसमें वो आपके साथ बारिश में भीग रहे हैं. उनकी तरफ से एक सॉन्ग चैनल हो रहा है व्यूअर्स, आओगे जब तुम साजना अंगना फूल गिरेंगे, बरसेगा सावन झूम झूम के. और ये सॉन्ग बिल्कुल यू नो इनके इनका जो मुझे मैसेज मिला था अभी, चैनल्ड मैसेज जो मिला था मुझे, उसी चैनल्ड मैसेज से ये सॉन्ग मैच कर रहा है. आओगे जब तुम ओ साजना अंगना फूल गिरेंगे, बरसेगा सावन झूम झूम के. तो समवेयर ये आपके साथ बारिश में भीगना इमेजिन कर रहे हैं, या ऐसा उन्होंने सपना देखा हो सकता है. तो उनके व्यूअर्स दिल में जो फीलिंग्स हैं, उनके दिल में जो इमोशंस हैं और जो थॉट्स हैं, वो सब यू नो मिरर कर रहे हैं आपके साथ. आपको भी सेम लेवल की इंटेंसिटी महसूस हो रही है जितनी कि इन्हें हो रही है. ओके आई कैन सी दैट हियर.
यहाँ पर इस सिचुएशन में अगर अब तक कोई स्टकनेस थी या अब तक जस्टिस नहीं मिला था तो अब मिलने वाला है, धीरे धीरे स्लोली स्लोली ग्रेजुअली चेंज आ रहा है, विच मीन्स इनको समय लगेगा, स्लोली स्लोली ये आपके पास लेकिन ऑफर लेके आएंगे जरूर। ओके, अभी वो ऐसा सोच रहे हैं कि आप बहुत खुश हो, और अगर आप दोनों मिरर कर रहे हो व्यूअर्स, तो आप भी ऐसा सोच रहे हो सकते हो कि ये आपके बिना बहुत खुश हैं, तो आप दोनों सेम टाइप के थॉट्स को यू नो मिरर कर रहे हो। ओके, तो आई होप ये रीडिंग आपको अच्छी लगी है, इससे आपको थोड़ी बहुत हेल्प मिली है। अगर इस रीडिंग ने आपको थोड़ा सा भी गाइड किया है, थोड़ा सा भी हेल्प किया है, तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, मुझे जान के बहुत खुशी होगी व्यूअर्स। और वीडियो को लाइक करना ना भूलें, सब्सक्राइब करें ड्रीम टैरो चैनल को और बन जाएं ड्रीम टैरो फैमिली का हिस्सा, ताकि जब भी मैं कोई रीडिंग लेकर आऊँ सबसे पहले आप उसे देख पाएं। ओके, तो अगर आप उसे देखना चाहेंगे तो आप बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि मुझे काफ़ी लोग कमेंट करते हैं कि मैम आपका वीडियो आता है लेकिन हमको पता नहीं चलता, नोटिफिकेशन नहीं आती। इसीलिए नहीं आती व्यूअर्स, क्योंकि आपने सब्सक्राइब तो किया हुआ है लेकिन बेल आइकन प्रेस नहीं किया है। तो बेल आइकन अगर आप प्रेस कर देंगे तो जब भी मैं कोई वीडियो लेकर आऊँगी सबसे पहले आप उसे देख पाएंगे। ओके व्यूअर्स, और अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करना चाहते हैं तो मेरा अकाउंट नेम है ड्रीम टैरो 2021। ओके, ड्रीम टैरो 2021, और उसमें वही पिक्चर लगी है, वही प्रोफाइल फोटो है जो मेरी यूट्यूब पर प्रोफाइल फोटो है, तो आपको आसानी होगी ढूंढने में। तो अगर आप चाहें तो आप मुझे वहां पर जाके फॉलो कर सकते हैं। ओके व्यूअर्स, तो काफ़ी लोग मुझे पूछ रहे हैं कि मैम आप लाइव कब आओगे, तो व्यूअर्स जैसे ही हमारी ड्रीम टैरो की फैमिली 100K कंप्लीट कर लेगी तब हम लाइव आकर आपसे इंटरेक्ट करेंगे। ओके, तो ये बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग एक्सपीरियंस होने वाला है शायद। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगले रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय एंजल्स एंड थैंक यू फॉर योर लवली कमेंट्स, आई रियली अप्रिशिएट इट। थैंक यू सो मच व्यूअर्स कि आप अपना प्रीशियस टाइम देते हैं। ओके, बाय बाय।